क्लास में हमने खाली स्थान में आ की मात्रा यानी कि आ की मात्रा लगाकर शब्द को पूरे करने के लिए मैंने कहा था, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही दिखाऊंगी जैसे यहाँ पे लिखा गया है। देखिए दल यानी कि क्या है यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी दल करके, आपने वहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा वो आ की मात्रा लगाने के बाद उदाहरण के लिए दल दल जो है वहाँ पे डैश डाल के दल लिखा गया है, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगाने के बाद ये दाल होता है, ठीक है। उसी तरीके से है दाल, कान, पान, काका, ये सभी जो है आ की मात्राएं हैं, ठीक है। ये सभी जो है आ की मात्राएं हैं। दादा, बाल, काल, सावन, ठीक है। इसके बाद है काजल, काजल यहाँ आ की मात्रा है, देखिए यहाँ पे बादल, चावल, तबला, गहना, बहाना, पावन, आलस। देखिए अपने टेक्स्ट बुक में भी आपको ही इसी तरीके से ये मात्राएं लगानी है, जैसे कि आ आ, देखिए यहाँ पे मात्राएं जो है वो लगाकर लिखनी है अपने टेक्स्ट बुक में, ठीक है। बाजार, बहार, और मैं हर बार अक्षर को लग के ही लाइन खींचनी है, रेखा को खींचनी है, यानी कि पूरा अक्षर पढ़ने के लिए आपको आसान हो जाए, और यहाँ ये लाइन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। यह देखिए, ठीक है। अभी जो है बहार, बाहर हो गया, बाहर, बाहर, भगवान, सरकार, उसके बाद जानवर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है उसको आपको कंप्लीट करने हैं। ये हो गया मात्राओं को लगाकर पढ़ने का। अभी जो आगे है देखिए अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, अक्षरों के सही क्रम में लिखकर सही शब्द बनाइए। चलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे, यानी कि उल्टा लिखे हुए अक्षर है यानी कि जंबल किए करके अक्षरों को लिखा गया है उसका करेक्ट वर्ड हमें वहां पे लिखना है। चलिए अभी मैं आपको वहां सिखाऊंगी। यहाँ देखिए अक्षरों को सही क्रम में लिखकर सही शब्द बनाइए। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगी लाता, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो हो दलबा, तीसरा वाला जो है जारबा, चौथा वाला जो है रजगा, पांचवा वाला जो है वो है रगसा, छठा जो है बात कीजिए लामा, सातवां अक्षर जो है गल्पा, आठवां अक्षर है कलचा, यहाँ पे नौवां अक्षर जो है म दाबा, दसवां अक्षर जो है वहाँ है
चार आ। अभी यहाँ पे मुझे तो पढ़ने के लिए तो सही तरीके से नहीं आ रहा है, तो मुझे ये वर्ड जो है वो जंबल्ड हुआ है, तो उसको मुझे सीधा करके लिखना है। सीधा करके कैसे लिखना है, यहाँ देखिए मैं लिखती हूँ लाता। करेक्ट वर्ड लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे है ये लता, माफ कीजिए लता नहीं है, आई एम सो सॉरी, ये जो है ताला, ये जो है ताला, ठीक है। ये जो है द ल बा, यहाँ है जो ये मैं नंबर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। बा द ल, ये जो है पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखिए बा द ल। इसके बाद क्या है र रा जा र बा। ये क्या है बा, ये पहला वाला है बाजार, र बाजार है बा जा र, ठीक है। इसके बाद क्या है गा ज र, ये जो है गा ज र, ठीक है। उसके बाद क्या है र ग सा, र ग सा इज करेक्ट वर्ड? नो, इट इज अ सा ग र, ये क्या है सा ग र, ठीक है। उसके बाद क्या है लमा इज द करेक्ट आंसर? नो, इट इज अ रॉन्ग, सो मा ला, मा ला, ठीक है। उसके बाद है ये जो है ग ल पा, पा ग ल, पा ग ल, ठीक है। उसके बाद है चलक, कलच, कलचा है ये है चा लाख, एक्चुअली चालाक, ठीक है। ये जो करेक्ट वर्ड है देखिए चालाक। इसके बाद जो है यह है मदाबा, ये क्या है बदाम, बदाम, ठीक है। उसके बाद क्या है आर चार आ, आचार। ये हो गए सही शब्द। अभी आपको क्या करना है, ये जो मैंने अभी पूरा लिखाया है ना, वो पूरा आपको कहाँ तक, यहाँ तक अपने क्लासवर्क में भी लिखना है, प्लस होमवर्क बुक में भी आपको लिखना है। आगे का जो है वो हम अगले क्लास में सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।